जब भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, मीडियम शॉर्ट टर्म के लिए, एक भी शेयर खरीदने से पहले एक बार ज़रूर इन सभी स्टॉक्स को देख लीजिए कि क्या आपके घरों में, क्या आपके ऑफिस में, क्या आपकी यात्रा में, क्या आपके स्कूल कॉलेज में, क्या आपके बैंक में, क्या आपके घर के किचन में, बाथरूम में, टॉयलेट में या बेडरूम में कोई ना कोई प्रोडक्ट है कि या नहीं है। क्योंकि हमारी 16-17 साल का एक्सपीरियंस अनुभव यही बताता है दोस्तों कि इन सभी स्टॉक्स में हमने देखा, इस सेक्टर के स्टॉक्स में, एफएमसीजी सेक्टर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और चलिए मैं भी दिखा दूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि कौन आने वाले समय में ब्रिटानिया, नेस्ले और हिंदुस्तान फूड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल्स, कॉलगेट जैसे कंपनियों के भी धजिया उड़ाने के लिए तैयार है। और ये भी जान लीजिए कि ये देश की सबसे बड़ी कंपनी और इनकी सभी रिटेलर जो नए शेयरधारक रिटेलरों को पैसे से और बैंकों को लूटने वाले, ये बड़ी कंपनियां जो 10-10, 20, 15-15 लाख करोड़ के बन गए हैं। और जब तक ये सरकार के मिशन में शामिल रहेंगे तब तक ये लूटते रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो देश के बैंकों से तो कर्ज लेते ज़रूर हैं, लेकिन देश की जनता के लिए, देश की स्वास्थ्य के लिए, देश के आर्थिक विकास में, देश की बेरोज़गारी को दूर करने में कुछ कंपनियां जो है आज दिनों रात लगे हुए हैं। और ये जो कॉरपोरेट हैं, हमारे देश के हों, हमारे देश के बाहर के हों, ये सभी नहीं चाहते हैं कि एक कठिन परिश्रम करके आने वाले जो भी उद्योगपति बन रहे हैं उनको, इनको धजिया उड़ाया जाए। तो उसी के लिए ये वीडियो, सिर्फ उसके लिए नहीं है, ये वीडियो है इन्वेस्टर के लिए। और इन्वेस्टर को ज़रूर देखना चाहिए कि ये आने वाला भविष्य क्या है। अब आपको मैं बता दूं, एक साल के बाद नहीं, 2024 के बाद आपको देखने को मिलेगा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, कहावत है कि वो कहावत सुने, डाल डाल पात पात वाला, तो अडानी ने शुरू किया अडानी रियल एस्टेट, शहरों में, जंगलों में, पहाड़ों पे घर बनाना बेचना शुरू किया। तो उसके पीछे पीछे ये मुकेश अंबानी भी चल दिया। अब ये जाएंगे उत्तर भारत में घर बेचेंगे और ये इन्वेस्टर के पैसे को उड़ाएंगे और पता चला कि नुकसान हो गया। तो ये क्या कर रहे हैं खेल, जिसमें ये लूट सकें देश के पैसे को, देश की जनता के और बैंकों को। चलिए दोस्तों, ये सब तो आने वाले समय आपको दिखाएगा और आपके पास ये वीडियो भी रहेगा। इन सभी कंपनियों को मैं इसलिए लिस्ट में शामिल किया हूँ कि आपको बताने में और मुझे दिखाने में आसानी रहेगा कि कौन सा कंपनी आने वाले समय में आपके पैसे को बढ़ाएगा, 100% बढ़ाएगा, मेरी गारंटी है। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। गोदरेज एग्रोवेट, ये गोदरेज एग्रोवेट क्या है वो भी आप इसको डिटेल्स भी बताते चलेंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको जीवन भर काम आएगा। ऐड टू वॉच लिस्ट पोर्टफोलियो एक्शन, गोदरेज एग्रोवेट क्लोज्ड अबव 150 डेज मूविंग एवरेज ऑफ 448.012 डे। ठीक है, अब आ जाइए। BST इंडस्ट्रीज, ये बनियान बनाती है शायद, टेक्सटाइल सेक्टर का BST इंडस्ट्रीज। अच्छा, पतंजलि फूड ये क्या करती है,
इसको भी बता देते हैं। द इंडेक्स इज अप टू 4.7% ओवर द लास्ट 30 दिन में चार लगभग 4.5% से ज़्यादा, और एक साल में ये समझिए कि 37.5% बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और FMCG इंडेक्स में टॉप गेनर बन के रहा दोस्तों। अच्छा, द्वारकेश शुगर, ये इथेनॉल, पेपर, शुगर, बायोफर्टिलाइज़र और वाइन जैसे स्टॉक्स प्रोडक्ट बनाती है। चलिए, ग्लोबस स्प्रिट, ये दारू बनाने वाली कंपनी है और ये कॉपीराइट ये तो दूसरा से दे रहा है। चलिए, इसके बारे में नहीं कुछ पता चल रहा है, लेकिन ये दारू बनाती है, ग्लोबस स्प्रिट लिमिटेड, ठीक है। SH हैकर एंड कंपनी, ये क्या करती है इसके बारे में डिटेल्स नहीं पता चल रहा है। शॉर्ट में हम आपको दिखाना चाह रहे थे लेकिन नहीं दिखा रहा। चलिए, CCL प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड, ये क्या करती है। हाँ, CCL प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड, जैसे कि थोड़ा सा इसमें आपको डिटेल्स पता चल जाता है, डिटेल्स बताएंगे तो बहुत ज़्यादा सर्च करना पड़ जाएगा तो आपका वीडियो और लंबा हो जाएगा। चलिए, CCL प्रोडक्ट इंडिया लिमिटेड शेयर प्राइस व्हाट मैक्स तो FMCG सेक्टर का गुड अच्छा है क्या। एक्सिस सिक्योरिटीज बिलीवर द इंडियन FMCG कंपनीज वेयर बीन ऑन ए स्टॉक। चलिए, इसको भी देख लिया। त्रिवेणी इंजीनियरिंग, ये भी जानती है, शुगर जानते हैं, शुगर बनाती है, शुगर बनाने वाले एथेनॉल बनाने वाली जो मशीनें होती हैं इसकी बनाता है ये, और ये कोलकाता की कंपनी है, ठीक है। अब आइए, उमंग डेरीज सस्ता स्टॉक है, डेयरी से जुड़ा हुआ, दूध बेचती है कंपनी। और ये क्या है, ये डांगी ड्रम्स, इसके बारे में तो मुझे डिटेल्स नहीं पता। बलरामपुर चीनी मिल, इसके बारे में पूरा पता है, जानते हैं शुगर, ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, शुगर सेक्टर का सबसे टॉप। अच्छा, पराग मिल्क ये भी डेयरी प्रोडक्ट है। और मनोरमा इंडस्ट्रीज, इसके बारे में भी जानने की। अच्छा, फूड्स एंड इंस लिमिटेड और कोहिनूर फूड्स लिमिटेड, ये भी अडानी के विलमार में, अडानी इंटरप्राइजेज मैंने अडानी विलमार में ले चुका है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा देख लिया जाए, नहीं बता रहा। अच्छा, मेगा स्टार फूड, ये क्या करता है ये भी नहीं बता रहा। चलिए, ABT नेचुरल प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये क्या करता है ये थोड़ा बता रहा है। देखिए, कॉपीराइट ये 13.com ऑल राइट रिजर्व टू, ये दूसरा चीज दे रहा है, न्यूज फोटो वीडियोज और वन द कॉन्वेंट होल, ये सब नहीं दिखा रहा है, हटाइए। अवंती जिसको बोलते हैं। अच्छा, यूरो इंडिया फ्रेश फूड, ये क्या करती है ये भी नहीं बता रहा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा आप लोग भी। अच्छा, ये बडी लाल आइसक्रीम बनाता है, ये बडी लाल आइसक्रीम बनाता है। देखिए, आइसक्रीम एंड फेवरेट मिल्क इंडियाज बट आल्सो ग्लोबली रिकोगनाइज्ड एज ए फॉर्जन डिजर्ट मैन्युफैक्चरर एंड सेलर, ये बडी लाल आइसक्रीम बनाता है, आइसक्रीम बनाने में इसका महारत हासिल है। अच्छा, छोड़िए, एग्रोटेक फूड्स लिमिटेड, ये क्या करती है, ये करती है क्या, ये तो पोर्टफोलियो एक्शन में लगे हैं और ये 30 दिन के अंदर ये एवरेज 778 टुडे 812 पे प्राइस पे बंद हुआ। और ये जो है रिलायंस सिक्योरिटी लिमिटेड फर्स्ट फ्लोर टेक पार्क नेशनल ऑपरेटिव, अच्छा ये उसका है एग्रोटेक फूड, ये इससे सावधान रहिएगा। चलिए, ये है गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, ये क्या करती है ये भी देख लीजिए। ये गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड मूवी FMCG सेक्टर का स्टॉक है और ये आपको सिगरेट बनाती है दोस्तों, सिगरेट ब्रांड बनाती है गॉडफ्रे गोल्ड फ्लेक फ्लिप्स इंडिया लिमिटेड, नाम सुने होंगे। और ये इन्वेस्ट इन बॉन्ड ऑनलाइन गॉडफ्रे फिलिप्स का ऐड टू वॉच लिस्ट में, पोर्टफोलियो न्यूज हॉट स्टॉक्स एंड ऑन गोइंग मनो मोमेंटम ड्रग्स टूडेज लाइफ साइंसेज गॉडफ्रे, अच्छा GDS लाइफ साइंसेज, इसको भी ये आपको अपने रडार पर रखना। नेस्ले इंडिया, ये तो जानते ही हैं, सब बनाते हैं बच्चों का दूध खीर पता नहीं क्या क्या पाउडर बनाते हैं। GRM ओवरसीज लिमिटेड, ये एक नया हमारे अभी रडार पे आया है, इसके नाम तो मैंने 17 सालों में नहीं सुना था, अभी सुन रहा हूँ। चलिए, LT फूड बढ़िया स्टॉक है, महंगा स्टॉक लेकिन है,
लेकिन ये भी आप जान लीजिए कि ये 138 रुपया का 133 रुपया कंपनी का इंक्रूज हुआ। रेडिको खेतान ये भी दारू बनाता है, शराब बनाता है ये कंपनी, ये इसके ये स्टॉक है। और हेरिटेज फूड ये भी एक महंगा स्टॉक है, बढ़िया लेकिन स्टॉक है। अच्छा KRBL ये भी का KRBL जो है ये भी FMCG का, हेस्टन एंड एग्रो प्रोडक्ट ये आपको ज़रूर देखना चाहिए। अच्छा अडानी विलमार जो है अभी आने वाले समय में अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन इसका जो बड़ा बढ़िया प्लान है और ये हर गिरावट में खरीदारी करते रहिए, ये सब नहीं देखना। अच्छा टाटा कंज्यूमर ये तो इंडिया का सबसे टॉप ब्रांड है, इसके बारे में कहना नहीं दोस्तों। नमक खाते हैं तो पूरा देश खाता है नमक टाटा का, दाल खाता है तो टाटा का दाल खाता है, टाटा का कॉफ़ी पीता है, टाटा का चाय पीता है। अरे टाटा का प्रोडक्ट पूरा आपके घर में कोई ऐसे हिंदुस्तान का नहीं होगा कि एक न एक प्रोडक्ट तो आपको इसका ज़रूर मिलेगा। अच्छा ADF फूड ये भी डोडला डेयरी और हिंदुस्तान फूड ये बढ़िया स्टॉक है, ये दो साल से हम जानते हैं। ज्योति लेबोरेटरी क्या करती है वो भी थोड़ा जान लीजिए जाए, ये आपको वॉच लिस्ट में शामिल कर लीजिएगा। ये पोर्टफोलियो एक्शन और ज्योति लैब जो है 30 दिन का मूविंग एवरेज देखे तो 207 रुपया, आज 207 रुपया का इंक्रीज देखने को मिला था। अच्छा प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये भी जानते हैं क्या है, साबुन वबुन बनाता है, कोलगेट बनाता है और अरे वो पेस्ट बनाता है और बहुत सारे ब्रांड रहते हैं आपको बाथरूम में लेट्रिन के सामान, हाइजीनिक सामान जो बनाता है वो भी देखने को मिलेगा, पाउडर वाउडर भी बनाता है। अच्छा MRS बैक्टर्स फूड, अच्छा ये क्या है भैया इसको भी देख लिया जाए। इन्वेस्ट इन ब्रांड ऑनलाइन, अच्छा ये ऑनलाइन बेचता है सामान, ये भी इसका भी बढ़िया स्टॉक है, ये ऑनलाइन बेचता है। चलिए GDS वेलनेस, ये सब विदेशी कंपनियों के नाम है, देखने से ही पता चलता है। बजाज कंज्यूमर ये तो बड़ा लोगों को बर्बाद किया, एक साल पहले ये लगभग ये आधे से 60% से ज़्यादा हो गया था, अभी इस पर ध्यान नहीं देना है ये। अच्छा कोलगेट पामोली ये आपको, कोलगेट का तो बड़ा साम्राज्य है, 10 में से 5 घरों में तो कोलगेट जरूर रहता है, तो ये एक कंपनी है, ये विदेशी कंपनी है। अच्छा जिलेट इंडिया ये भी विदेशी कंपनी है लेकिन इंडिया में काम करती है, जिलेट का ब्लेड आता है और देखे होंगे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं शेविंग के संबंधित, स्वास्थ्य संबंधित। अच्छा कोलगेट पामोली ये भी बनाता है प्रोडक्ट, घरों में देखने को ज़रूर मिलता है। अच्छा प्रोक्टर एंड गैम्बल हाइजीन एंड हेल्थ ये दो इसके लिस्टेड हैं। अच्छा इमामी बोरो प्लस जानते होंगे, ये सब क्रीम वरूम बनाता है एंटीसेप्टिक वगैरह। अच्छा ITC आशीर्वाद आटा जानते होंगे, आशीर्वाद आटा ITC कंपनी का है, सिगरेट बनाती है, व्हील्स बनाती है सिगरेट और आटा, होटल का काम है इसका, ये बढ़िया स्टॉक है। चलिए मेरिको ये तो नारियल का तेल के पैरासूट नाम से आता था, जानते होंगे आपको 50,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, इमामी का, और टॉप FMCG स्टॉक भारत का है, लेकिन ये देसी है, चलिए कुछ बात नहीं है। अच्छा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट ये तो बहुत बढ़िया स्टॉक है दोस्तों, बहुत बढ़िया स्टॉक। अच्छा डाबर ये भी देश का कंपनी है, अब डाबर याद रखिएगा, डाबर और गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, मेरिको और ITC इमामी, इनको याद रखिएगा दोस्तों। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, ये इंग्लैंड और इंडिया का दोनों का कोलैबोरेशन है। वरुण बेवरेज भी दारू बनाती है और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ये तो ऐसा कंपनी है दोस्तों, ये पूरे दुनिया में है, कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसका बाथरूम में एक साबुन नहीं होगा। अच्छा नेस्ले इंडिया ये भी तो आपको बता ही चुके हैं, चलिए दोस्तों हो गए। अब आपको बता दें 10 कंपनियों का बाप एक कंपनी आने वाले 2030 तक आपको करोड़पति बना सकता है दोस्तों, और ये है बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड। जी हाँ, और जो मुझे बताना था बता दिया, इस वीडियो का मेन मकसद यही था, पतंजलि फूड ये है,
ये आप स्टॉक जब भी पैसा आपके पास हो, महंगा तो है लेकिन धीरे धीरे, अभी नहीं, इसको रडार पर रख लीजिए। और जब भी स्टॉक मार्केट में FMCG में पैसा लगाने वाले हैं या लगाते हैं, तो आने वाला 10 कंपनियों का बाप ये है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। लाइक कर दीजिए दोस्तों।